लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सेवेंथ ऑफ एक्सरसाइज वन पॉइंट वन दैट इज एंटीच क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायग्नल हैव द सेम सम मैजिक स्क्वायर है और इसमें ये बता रहा है कि रो वाइज डायगनल वाइज और कॉलम वाइज सबका आंसर सेम आना चाहिए चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर तो हमें यह बताना है कि इन दोनों में से कौन सा मैजिक स्क्वायर है तो चलिए करते हैं हम अपना फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं तो मैजिक स्क्वायर हमें पता है कि उसने कहा था कि हमें ऐसे ऐसे और ऐसे तीनों तरीके से हमारा आंसर सेम आना चाहिए तो सबसे पहले हम रो वन निकाल लेते हैं ये हमारी हो गई रो वन तो रो वन निकालेंगे तो क्या आएगा तीनों वैल्यूज आपस में ऐड कर देंगे तो ये आ गई फाइव प्लस माइनस वन प्लस माइनस फोर तो ये कितना आ जाएगा फाइव एज इट इज हमें पता है प्लस इंटू माइनस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्लस इंटू माइनस माइनस तो प्लस माइनस माइनस वन प्लस माइनस माइनस फोर तो ये कितना आ गया फाइव एज इट इज क्योंकि माइनस का वन है और माइनस का फोर है दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो गए तो फाइव और साइन माइनस का लग गया और फाइव माइनस फाइव इज ज़ीरो रो वन का कैलकुलेशन जीरो आया अब रो टू देखते हैं रो टू ये वाली है कैसे देखिए ये वाली रो टू है तो अब हमारा आया माइनस फाइव प्लस माइनस टू प्लस सेवन तो ये कितना आ गया माइनस फाइव प्लस माइनस माइनस टू अगेन प्लस सेवन अब फाइव माइनस का टू माइनस का दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का लग जाएगा प्लस सेवन सेवन माइनस का है और प्लस का सेवन है तो जीरो हो गया अब हम निकालेंगे रो थ्री तो रो थ्री देखते हैं रो थ्री देखिए जीरो प्लस थ्री प्लस माइनस थ्री तो ये कितना आ गया ये देखिए थ्री एज इट इज और प्लस माइनस माइनस थ्री तो थ्री में से थ्री गैस जीरो अभी तक रो वन रो टू रो थ्री तीनों जीरो आए हैं अब आगे करते हैं अब हम डायगनल निकाल लेते हैं और कॉलम वाइज निकालेंगे अब हम कॉलम वाइज सी वन निकालते हैं तो सी वन क्या हुआ हमारा जीरो जीरो प्लस माइनस फाइव प्लस फाइव हमने कैसे निकाला है इस वे में ये ऐसे निकाला है राइट कॉलम वन तो ये कितना आ गया माइनस फाइव एज इट इज प्लस फाइव और प्लस फाइव और माइनस फाइव इज जीरो अब इसी तरीके से कॉलम टू निकालते हैं कॉलम टू कौन सा है देखिए ये वाला थ्री माइनस टू एंड माइनस वन तो थ्री प्लस माइनस टू प्लस माइनस वन तो ये देखिए थ्री एज इट इज प्लस माइनस माइनस टू प्लस माइनस माइनस वन अब माइनस टू है माइनस वन है आपस में ऐड हो गए का लग गया और थ्री में से थ्री गए जीरो इसी तरीके से कॉलम थर्ड ये कॉलम टू था अब कॉलम थर्ड तो देखिए माइनस थ्री प्लस सेवन माइ प्लस माइनस फोर तो ये कितना आ गया माइनस थ्री एज इट इज प्लस सेवन प्लस माइनस माइनस फोर तो ये कितना आ गया थ्री और फोर दोनों माइनस के आपस में ऐड हो जाएगा तो माइनस का साइन लग गया और सेवन में से सेवन गैस जीरो अब इसी तरीके से डायगनल निकाल लेते हैं तो ये देखिए कौन सी डायग्नल निकाल रही हूँ फाइव माइनस टू एंड माइनस थ्री ऐसी होती है डायग्नल तो डायगनल वन डी वन निकाल रही हूं फाइव प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री तो ये कितना आ गया फाइव एज इट इज प्लस माइनस माइनस टू प्लस माइनस माइनस थ्री दोनों माइनस के हैं कौन कौन से टू और थ्री तो आपस में ऐड हो गए तो माइनस फाइव और फाइव में से फाइव गए जीरो इसी तरीके से अब डायगनल टू निकाल लेते हैं अब डायगनल टू कौन सी हुई जीरो माइनस टू एंड माइनस फोर तो ये आ गया जीरो प्लस माइनस टू एंड प्लस माइनस फोर तो ये कितना आ गया माइनस टू एंड माइनस फोर दोनों माइनस के आ गए तो आपस में ऐड हो गया साइन बड़े वाले का लग गया तो लेकिन ये तो जीरो नहीं आया क्योंकि ये जीरो नहीं आया है तो इसलिए फर्स्ट वाला मैजिक स्क्वायर नहीं है तो हेंस इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वेर इट्स नॉट अ मैजिक स्क्वेर लेट जू सेकेंड पार्ट नाउ अब सेकेंड पार्ट में हमारी रो क्या है रो ये वाली है रो निकाल लेते हैं पहले तो रो वन ये यहाँ पे सेकेंड पार्ट लिख रही हूं रो वन क्या हुई देखिए ये वाली वन एंड माइनस टेन एंड जीरो तो वन प्लस माइनस टेन प्लस जीरो तो ये कितना आ गया वन प्लस माइनस माइनस टेन अब वन प्लस का जीरो लिखने की जरूरत नहीं है अब वन प्लस का है टेन माइनस का है तो ऑपोजिट साइन है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन टेन के साथ माइनस का है क्योंकि टेन बड़ी डिजिट होती है इसलिए माइनस का लग गया अब इसी तरीके से रो टू देखें रो टू कौन सी हुई ये वाली माइनस फोर माइनस थ्री एंड माइनस टू वाली तो माइनस फोर प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस टू तो ये कितना आ माइनस फोर एज इट इज प्लस माइनस माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस टू तो ये कितना आ गया तीनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएगा और साइन माइनस ही लगेगा तो ये कितना आ गया फोर प्लस थ्री इज सेवन प्लस टू इज नाइन तो माइनस नाइन आ गया अब इसी तरीके से रो थर्ड निकालेंगे रो थर्ड कौन सी है ये वाली माइनस सिक्स फोर एंड माइनस सेवन तो माइनस सिक्स प्लस फोर प्लस माइनस सेवन तो ये कितना आ गया माइनस सिक्स एज इट इज प्लस फोर प्लस माइनस माइनस सेवन अब सिक्स और सेवन माइनस के तो आप उसमें ऐड हो गए और प्लस का फोर अब एक साइन प्लस का है एक का साइन प्लस का है फोर का साइन प्लस का है और थर्टीन का माइनस का है तो आपस में क्या हो जाएंगे सब ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े वाले का लग जाएगा तो कितना आ गया दैट इज माइनस का नाइन राइट right? अब तीनों माइनस के नाइन ना आ रहे हैं अब डायगनल और कॉलम्स देखते हैं अब हम कॉलम निकालेंगे तो कॉलम वन निकाल लेते हैं कॉलम वन में क्या क्या लेंगे हम वन माइनस फोर एंड माइनस सिक्स तो वन प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स तो ये कितना आ गया वन प्लस माइनस माइनस फोर प्लस माइनस माइनस सिक्स तो ये कितना आ गया वन फोर और सिक्स दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो गया और आपस में सब हो जाएगा क्यों क्योंकि वन प्लस का है और टेन माइनस का है तो साइन टेन के वाला लगेगा हमेशा याद रखिएगा एक प्लस और एक माइनस का होता है तो साइन हमेशा बड़ी वाली डिजिट का लगता है तो माइनस नाइन आ गया इसी तरीके से कॉलम टू देखते हैं कॉलम टू कौन सा लेंगे हम माइनस टेन एंड फोर तो ऊपर से नीचे ले लीजिए या नीचे से ऊपर ले लीजिए बात एक ही है प्लस फोर तो ये कितना आ गया माइनस टेन प्लस माइनस माइनस थ्री प्लस फोर अब टेन और थ्री माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो गया और साइन माइनस का लग गया प्लस फोर तो ये कितना आ गया दोनों ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा अब इसी तरीके से डायगनल लेंगे तो डायग्नल डायगनल वन ले लेते हैं डायगनल वन कितना आया देखिए ये है डायगनल तो यही ले लेते हैं वन प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस सेवन तो ये कितना आ गया वन प्लस माइनस माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस सेवन तो वन माइनस टेन हो गया ऑपोजिट साइन है दोनों के देखिए एक का प्लस एक का माइनस है तो आपस में सब हो गया और साइन बड़े वाले का लग गया अभी तक सबका आंसर माइनस नाइन आ रहा है चलिए डायगनल टू देखते हैं हम डायगनल टू कौन सी हुई जीरो माइनस थ्री एंड माइनस सिक्स तो जीरो प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस सिक्स तो ये कितना आ गया जीरो लिखने की जरूरत नहीं है तो प्लस माइनस माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस सिक्स दोनों माइनस के थे तो माइनस साइन लग गया और आपस में एड हो गए तो नाइन आ गया तो अब आप देखेंगे सारे माइनस नाइन आ रहे हैं देखिए सबका आंसर माइनस नाइन आ रहा था तो हम लिख सकते हैं येस दिस इज अ दिस इज अ मैजिक स्क्वेयर आंसर लेट्स टू क्वेश्चन नंबर एट्थ ऑफ एक्सरसाइज इज इंटीजियर b. ये वेरीफाई करना है हमें कि ए माइनस माइनस बी ए प्लस बी के इक्वल है कि नहीं है फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ए एंड बी फर्स्ट पार्ट ए अगर ट्वेंटी है और b एटीन है तो फर्स्ट पार्ट अपना लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट इज a अगर ट्वेंटी है और b एटीन है तो देखिए हमें वेरीफाई करना है क्या ए माइनस माइनस बी क्या ए प्लस बी की इक्वल है तो ये देखिए इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड के लाती है और इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड के लाती है तो पहले मैं लेफ्ट साइड देख लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड उतार लेती हूँ ए माइनस माइनस बी वैल्यूज पुट करती हूँ ए की थी ट्वेंटी वन माइनस माइनस बी की थी वैल्यू value 18, वैल्यूज पुट की है कुछ नहीं करना इसमें वैल्यूज पुट करना है और देखना है दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं आता है तो देखिए 21 वन एज इट इज अब हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस एटीन तो ट्वेंटी वन प्लस एटीन कितना आया थर्टी नाइन अब ये लेफ्ट साइड थी अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड करेंगे राइट हैंड साइड क्या दे रखी है हमें सिर्फ ए प्लस बी तो ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे ए था हमारा ट्वेंटी वन प्लस बी था हमारा एटीन देखिए फर्स्ट पार्ट में यही दे रखा है यही लिखा है इक्वल्स टू तो ऐड किया तो कितना आया थर्टी नाइन तो देखिए दोनों की वैल्यू थर्टी नाइन आ रही है लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो ये यही वेरीफाई करना था अब हम इसी तरीके से सेकेंड पार्ट करेंगे अपना तो देखिए बी पार्ट है हमारा ए है हमारा इसमें वन वन एट एंड बी है हमारा वन ट्वेंटी फाइव और हमें क्या वेरीफाई करना है दैट ए माइनस माइनस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी के है या नहीं है तो हम अपनी जैसे कि मैंने बताया इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के लाती है तो वो उतार लेंगे अब देखिए ए हमारा दे रखा है हंड्रेड एंड एटीन माइनस माइनस वन ट्वेंटी फाइव बी की जगह हमने वन ट्वेंटी फाइव लिख दिया तो ये कितना आ जाएगा वन वन एट एज इट इज और हमें पता है माइनस इनटू माइनस यहाँ साइड में लिख रहती हूँ माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस हमें पता है सेम साइन मिलके प्लस बनाते हैं तो प्लस तो प्लस वन ट्वेंटी फाइव आ गया तो ये कितना आ जाएगा एट प्लस फाइव इज थर्टीन कैरी वन टू प्लस वन इज थ्री प्लस वन इज फोर एंड टू ये 243 हो गया अब इसी तरीके से हम अपनी राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल टू के साइड वाली ए प्लस बी देखेंगे तो A प्लस b, बी था हमारा 118 और b था 125। तो ये कितना आ गया एट प्लस फाइव इज थर्टीन कैरी वन टू प्लस टू इज फोर एंड टू तो देखिए दोनों से आ रही है तो हैंस हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है आंसर नाउ लेट्स डू थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू 75 और बी की वैल्यू 84 दे रखी है नाउ सी पार्ट इज ए की वैल्यू 75 और बी की वैल्यू 84 दे रखी है और हमें क्या वेरीफाई करना है हमें वेरीफाई करना है कि ए माइनस माइनस बी किसके इक्वल है हमारा ए प्लस बी के इक्वल है तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाली तो ये कितना है ए है हमारा सेवेंटी फाइव माइनस माइनस एटी फोर तो ये कितना आ गया 75। फाइव और अभी अभी हमने पढ़ा कि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस होता है तो प्लस एटी फोर तो ये कितना आ गया वन फिफ्टी नाइन आ गया इसी तरीके से अब हम अपनी राइट हैंड साइड देखेंगे राइट हैंड साइड क्या दे रखी है ए प्लस बी दे रखी है तो ए था हमारा 75, फाइव ए की जगह ए की वैल्यू बी की जगह बी की वैल्यू तो ये कितना गया 159। तो दैट मींस हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है आंसर लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ लास्ट पार्ट इज ए की वैल्यू ट्वेंटी दे रखी है और बी की वैल्यू इलेवन दे रखी है अगेन हमें सेम चीज वेरीफाई करनी है क्या ए माइनस माइनस बी किसके इक्वल है ए प्लस बी के तो हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले ली जो कि इतनी दे रखी थी ए माइनस माइनस बी तो ए की जगह हमने 28 लिख लिया और बी की जगह हमने 11 लिख लिया तो ये कितना आ गया 28 एट माइनस माइनस प्लस एलेवन तो ये कितना आ गया 39 इसी तरीके से हमने राइट एंड साइड ले ली जो कि दे रखी है हमें ए प्लस बी तो ए था हमारा ट्वेंटी एट और बी था इलेवन तो ये कितना आ गया थर्टी नाइन दोनो दोनों थर्टी नाइन आ गए हैं देखिए दोनों वैल्यूज तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने वेरीफाई कर दिया कि हमारी लेफ्ट साइड कौन सी इक्वेशन की इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है आंसर